बीसीसीआई की मीटिंग से हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले हफ्ते मुंबई में बीसीसीआई की एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग क्या कहें, जहां पर सेलेक्टर अजीत अगरकर, राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा मिले थे T20 वर्ल्ड कप को लेकर। उस मुलाकात में कई सारी चर्चाएं हुई हैं और कई सारे पॉइंटर्स निकलकर सामने आए हैं। एक सबसे बड़ा नाम जो हार्दिक पांड्या का है, हार्दिक पांड्या को लेकर जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को और ज़्यादा गेंदबाजी करनी होगी अगर T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को अपनी जगह बनानी है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, फरवरी में जब एक इवेंट हुआ था बीसीसीआई का, वहाँ पर जय शाह ने अनाउंस किया था कि जो हमारे कप्तान होने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में वो रोहित शर्मा होंगे और वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या होंगे। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या ने IPL 2024 में दिखाया है, उस तरीके से देखते हुए यहाँ पर उनकी जगह भी खतरे में नज़र आ रही है। ये इंस्ट्रक्शन उनके ऊपर आए हैं कि भाई उनको और ज़्यादा गेंदबाजी करनी होगी, यानी बल्लेबाजी उनकी IPL में कुछ खास चली नहीं है, तो सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप में ले जाना टीम मैनेजमेंट को कुछ खास नज़र साफ आ नहीं रहा है। दूसरी बड़ी खबर जो साफ निकल कर आई है मीटिंग से वो ये है कि जो ओपनिंग की जिम्मेदारी होगी T20 वर्ल्ड कप में वो रोहित शर्मा और विराट कोहली कर सकते हैं, यानी वहाँ पर शुभमन गिल और जायसवाल जैसे जो खिलाड़ी हैं ओपनिंग जो करते हुए नज़र आते हैं उनके नाम पर चर्चा जरूर है, लेकिन फिलहाल जो खबर निकल कर आई है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो T20 वर्ल्ड कप में आपको ओपनिंग करते हुए नजर आए। साथ ही एक और खिलाड़ी हैं जिनके नाम की भी चर्चा मीटिंग में हुई है, रियान पराग। जिस तरीके से अब तक IPL में खेले हैं 300 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, बैक टू बैक उनके मैच विनिंग नॉक्स आए हैं, तो रियान पराग के नाम को लेकर चर्चा है कि भाई हो सकता है रियान पराग को भी T20 वर्ल्ड कप का टिकट मिल जाए। टीम इंडिया से अब तक खेले नहीं है लेकिन वर्ल्ड कप में डायरेक्टली उनकी एंट्री हो सकती है क्योंकि ज़बरदस्त लाजवाब फॉर्म चल रहा है। वहीं मयंक यादव के नाम को लेकर जो खबरें आई हैं कि ऐसा नहीं है, मयंक यादव को फिलहाल अभी T20 वर्ल्ड कप की तरफ कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जो खबरें निकल कर आ रही थी कि भाई हो सकता है उन्हें ले जाया जाए, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल जो मीटिंग से खबर निकल कर आई है कि नहीं है, मयंक यादव पर फिलहाल अभी चर्चा होती हुई नजर नहीं आई है। लेकिन हार्दिक पांड्या सबसे बड़े उस मीटिंग का हाईलाइट रहे हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं, भारत के कप्तान रोहित शर्मा उनकी कप्तानी में खेल रहे हैं, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप की मीटिंग हुई तो वहाँ पर रोहित शर्मा गए हैं और जो कंक्लूजन निकल कर आया है कि हार्दिक पांड्या को और ज़्यादा गेंदबाजी करनी होगी अगर T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनानी है, क्योंकि ऑलराउंडर के तौर पर हमने देखा है शिवम दुबे एक बहुत बड़ा कंटेंडर हार्दिक पांड्या के सामने खड़े हैं। शिवम दुबे हालांकि इंपैक्ट प्लेयर के चलते गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन शानदार खेल उन्होंने IPL 2024 में अपने बल्ले से दिखाया है और जरूरत पड़ेगी तो गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो भाई हार्दिक पांड्या को फिलहाल यहाँ पर गेंदबाजी पर काम करना होगा अगर उन्हें T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनानी है। तो